हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ मिंट कोरिएंडर चटनी। तो मिंट कोरिएंडर चटनी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, पहले हम वो देख लेते हैं। इसे हम हरी चटनी भी बोलते हैं। आज की मेरी ये रेसिपी थोड़ी तीखी है, सो आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो मिंट कोरिएंडर चटनी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है धनिया पत्ता। यहाँ मैंने धनिया पत्ता को अच्छे से धो करके कट करके ले लिया है। यहाँ मैंने पुदीने को भी अच्छे से धो करके उनके उसके पत्तों को ले लिया है। हमें चाहिए 3 लहसुन, लहसुन की कलियां मैंने यहाँ पे 3 ली हुई है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा प्याज कटा हुआ, 2 हरी मिर्च, चूंकि आज मैं इसे थोड़ा तीखा बना रही हूँ, और नींबू का रस। इसकी जगह पर आप 1 चम्मच नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। और हमें चाहिए नमक स्वाद अनुसार और 1 चम्मच सरसों का तेल। तो आइए इस चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंडिंग जार में डाल करके पीस लेंगे। नींबू का रस हमें अभी नहीं डालना है, तो नींबू को हम हटा देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करके और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे ग्राइंडिंग जार में डाल करके पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है ग्राइंडिंग जार, इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता। पुदीना के पत्ते, अदरक, अदरक आप आधा इंच भी इसमें डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं तीखा बना रही हूँ इसलिए यहाँ मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाला है। 3 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च, इसकी क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा प्याज, इसमें प्याज डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ करके आता है। और हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। तेल और नींबू का रस हम इसमें बाद में ऐड करेंगे पीसने के बाद। चलिए इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसे पीस लेंगे। ये हमारी तीखी हरी चटनी बनकर के तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। दोस्तों, आपके अगर ग्राइंडिंग जार में एक बार में अगर ये नहीं जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके आप पीसें। और आप इसमें पानी की जगह पे दही का भी यूज कर सकते हैं, इससे ये बहुत ही टेस्टी बनता है और भी उसमें स्वाद आता है और सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल के पीसा है इसे। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए दोस्तों, हमारी ये तीखी चटनी बन करके तैयार है। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारी तीखी हरी चटनी बनकर के तैयार है। आप इसे समोसा, वड़ा, पकोड़ा या फिर परोठे के साथ सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी चटनी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप हमें बताएं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।